चलिए फिलहाल आपको सीधा लिए चलते हैं पीसीसी मुख्यालय, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस वार्ता कर रहे हैं। बलिदान हो गई, लेकिन उस परिवार ने आज भी देश के लोगों की सेवा का जो प्रण ले रखा है, मैं समझता हूं हम सब के लिए प्रेरणा देने वाला है। वैसे जयपुर जोधपुर कोटा में नगर निगम चुनाव कर रहे हैं, क्या उम्मीद है कि शायद नगर निगम में कांग्रेस बोर्ड बनाएंगे? आप देख रहे हो भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है। इसके दो कारण, एक कारण तो यह है कि दो साल में जिस प्रकार का शासन हमारी कांग्रेस की सरकार ने दिया है और जो कोरोना काल में 7-7.5 महीने से हमारी सरकार ने काम किया है मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में, आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में, देश का प्रधानमंत्री ये बोल रहा है कि राजस्थान को आप फॉलो कीजिए, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और जो नगर के विकास के काम हुए हैं उस तकरीबन कांग्रेस के शासन में हुए हैं। आज जो छोटे वार्ड करके दो दो नगर निगम प्रत्येक तीनों शहरों में बनाए गए हैं, ये भी एक जनता को फायदा देने वाला है, जनता की ज्यादा से ज्यादा जनप्रतिनिधि उन तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा विकास हो, इसी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी टुकड़ों में बिखरी हुई है, उनको न तो अपने विधायकों पर भरोसा है, न अपने संगठन पर भरोसा है और न उनको अपने पुराने नेताओं पर भरोसा है। आज तो मैं समझता हूं शोक सभा है, 1 तारीख को जो बिल हमारी सरकार ने तैयार किए हैं, जो किसानों को जिस प्रकार से आंसू रुलाने का काम केंद्र की सरकार कर रही है, अपने वादों पे वो खरी नहीं उतर रही है। मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा था कि अगर मुझे प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया तो मैं किसान की आमदनी को दोगुनी कर दूंगा, वो दोगुनी तो कर नहीं पाए, लेकिन वो भूल गए थे कि एक वादा मैंने उद्योगपति मित्रों को भी किया है कि तुम्हारी आमदनी दोगुनी कर दूंगा, तो किसान की आमदनी करने का उनका जुमला था और जो बंद कमरे में बात हुई थी कि उद्योगपतियों की आमदनी को दोगुनी करूंगा, तो उसको दोगुनी नहीं, चौगुनी करने, 10 गुनी करने का प्लान उन्होंने किसान के चेहरे की खुशी को गायब करके पूरा करने का जो संकल्प ले रखा है, मैं समझता हूं पूरे हिंदुस्तान का किसान आक्रोशित है और समय रहते अगर उनको सद्बुद्धि नहीं आई, इसमें संशोधन नहीं किया किसान के हित में, तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का या मोदी जी का नाम लेने तक वो कोई नहीं रहे। देखिए, जो तीनों बिल पेश किए केंद्र ने वो तीनों इंटरलिंक है, अगर एक उनमें से नहीं होता है तो दो का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि व्यापारी जमाखोरी भी कर सके, किसान की उपज के ऊपर डाका भी डाल सके और मंडियां समाप्त हो जाएं तो समर्थन मूल्य भी नहीं मिले। ये तीनों चीजों करने के लिए जो किया है, इन तीनों चीजों को हम राजस्थान के किसान को कैसे बचा सकें, उसको समर्थन मूल्य भी मिले, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आए तो वो किसान को लूट नहीं सके और जमाखोरी भी नहीं हो पाए, इन तीनों चीजों का इलाज करने के लिए हमारी सरकार बिल ला रही है। अभी स्कूल खुलने का कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, शिक्षा विभाग का प्रस्ताव है, माननीय मुख्यमंत्री जी सब वर्गों से, सब लोगों से चर्चा कर रहे हैं, SOP हमने जारी कर दी है जिससे विद्यालय चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो अपने SOP की पालना के लिए अपनी तैयारी कर सकें। मैं समझता हूं जल्दी जब मुख्यमंत्री जी इसका फैसला करेंगे किस कक्षा से कौन से स्तर की स्कूल को खोलना है, तो हम सब उस तैयारी के साथ में अपने बच्चों को संक्रमित भी नहीं हो और बच्चों की पढ़ाई भी बात इतनी हो, दोनों चीजों को ध्यान में रखेंगे। सर, गुर्जर आंदोलन हो रहा है, उसका लेकर क्या कहेंगे? कमेटी पे दोबारा हुई है, वो भी सफल नहीं हुआ। देखिए, गुर्जरों को अगर आरक्षण दिया तो कांग्रेस की सरकार ने, अगर धोखा दिया तो भाजपा की सरकार ने,
पहले 70 गुजर मार करके भी वो आरक्षण नहीं दे सके, आज 25 के 25 सांसद देकर के भी 9वीं अनुसूची में उन्होंने गुजर आरक्षण को नहीं डाला, तो मैं समझता हूं आंदोलन गुजर भाइयों को अगर करना चाहिए तो वो शांतिपूर्वक आंदोलन केंद्र के खिलाफ और 25वें सांसदों के खिलाफ करना चाहिए, और राजस्थान की सरकार उनसे वार्ता करना चाहती है, वार्ता की टेबल पे बैठे, पहले भी उनकी समस्याओं का समाधान सुलझाया गया है, आगे भी उनकी समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक विचार करके जो उनकी जायज मांग है सरकार उसको पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इसलिए पहले भी हमने आग्रह किया था कि कोविड के कारण से आज इस महामारी से बचाने के लिए आप लोग कृपया एक जगह ज्यादा इकट्ठे नहीं हों। आज भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते मैं अपील करना चाहता हूं कि सरकार के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप आइए बैठिए अपनी बात बताइए। राज्य सरकार के जो विधि सम्मत चीज बस में है उसके लिए गुजरों के लिए हम लोग करने को तैयार हैं, लेकिन मैं पुनः उनसे अपील करना चाहूंगा कि वो आंदोलन का रास्ता नहीं पकड़ें और केंद्र सरकार और 25वें सांसदों के खिलाफ शांतिपूर्वक कोविड को ध्यान में रखते हुए आंदोलन करें, और ये बता दें कि मोदी जी पहले यहां पर 70 गुजरों को मारा गया, कांग्रेस ने जो हमें आरक्षण दिया है उसको 9वीं अनुसूची में आप डालिए। थैंक यू, धन्यवाद।